कोरोना वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे, एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का बनाया रिकॉर्ड। आज 8,11,542 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। एमपीएससी परीक्षा को मायाजाल बताकर फाइनल क्लॉज कर चुके युवक ने की पुणे में आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा चौंकाने वाला मौत का कारण। एमपीएससी की परीक्षा तुरंत ले, तुरंत करें नियुक्तियां। पुणे में युवक की मौत के बाद शरद पवार के पोते रोहित पवार की मांग। एमपीएससी परीक्षा रद्द होने पर युवक की आत्महत्या को लेकर भाजपा ने साधा एमबीए सरकार पर निशाना। भाजपा नेता राम सातुत्ते ने कहा सरकार को सिर्फ आदित्य ठाकरे और रोहित पवार के करियर की चिंता। कल से शुरू होगा महाराष्ट्र में मॉनसून अधिवेशन। दो दिनों के सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर हो सकता है जोरदार हंगामा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को दी चेतावनी, अधिवेशन में हमें बोलने नहीं दिया तो बाहर देख लेंगे। महाराष्ट्र में मॉनसून अधिवेशन शुरू होने से पहले ही विधानसभा के 4 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। कल 2,200 लोगों का हुआ था कोरोना टेस्ट। मेट्रो मुंबई की खबर का असर, बीएमसी ने की 5-स्टार होटल जेडब्ल्यू मेरिट पर कार्यवाही। कोरोना प्रोटोकॉल का हो रहा था उल्लंघन। विधानसभा के पद का चुनाव हो सकता है स्थगित। कांग्रेस को चुनाव के समय लग सकता है बड़ा झटका, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र से जाते जाते कोरोना की दूसरी लहर का कहर। नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोरोना से 12 दिन के बच्चे की मौत। मुंबई में आज फिर बढ़ा पेट्रोल का दाम। 34 पैसों की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 105.58 रुपए प्रति लीटर हुआ। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में आई गिरावट। 548 लोग हुए संक्रमित, 705 मरीज हुए ठीक। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से मौत के आंकड़ों में आई उछाल। आज 24 मरीजों ने गवाई जान, 8,114 केस एक्टिव। कल्याण डोंबिवली में कल बंद रहेगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। वैक्सीनेशन की कमी के चलते लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप। कहा शिवसेना से हमारे विचार नहीं मिलते, कोई दुश्मनी नहीं। मौसम बदलने के कारण फसलों पर पड़ सकता है दुष्परिणाम। सोयाबीन, कापूस और गेहूं इत्यादि की फसलों को नुकसान। इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल कम्युनिटीज की रिपोर्ट। पिछले 16 महीने में ठाकरे सरकार ने प्रचार पर खर्च किए 155 करोड़ रुपए, आरटीआई से हुआ खुलासा। नवी मुंबई में खत्म हुआ कोविड शील्ड का स्टॉक, वैक्सीनेशन ड्राइव पर लगा रोक। बावजूद इसके मनपा का दावा सभी को मिलेगी वैक्सीन। मीरा भाईंदर में आज कोरोना के 35 मामले हुए दर्ज। 18 मरीज हुए ठीक, एक व्यक्ति ने गवाई जान। पालघर के भारत केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में हुआ ब्लास्ट, 5 लोग जख्मी। जख्मियों को तुंगा अस्पताल में कराया गया भर्ती। आज सोलापुर में मराठा आरक्षण को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती में निकाला गया मराठा आक्रोश मोर्चा। मोर्चे में 10,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। थाने में आज कोरोना के 100 मामले हुए दर्ज। 128 मरीज हुए ठीक और 3 मरीजों ने गवाई जान। महाराष्ट्र के बारामती में पाबंदियों के कारण होटल में नहीं बैठने देने पर कुछ लोगों ने होटल कर्मचारी के साथ की मारपीट। तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। महाराष्ट्र में आज कोरोना से 9,336 लोग हुए संक्रमित, वही 3,378 मरीज हुए ठीक। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 123 मरीजों ने गवाई जान, वही राज्य में 1,23,225 केस एक्टिव।